चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की और। इस वक्त की अगली खबर देहरादून से हमें मिल रही है, जहां नशा मुक्ति के खिलाफ पुलिस लाइन में मैराथन का आयोजन होना है। कल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, दौड़ में शामिल होंगे 15,000 लोग। तो मैराथन दौड़ का आयोजन होगा, 15,000 लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। 15 देशों के 112 से ज्यादा धावक हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। सुबह 7:30 बजे मैराथन शुरू होगी। मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना करेंगे। साथ ही जो विजेता है उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सीएम धामी पुरस्कार देंगे विजेताओं को। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए पुलिस लाइन में मैराथन का आयोजन होना है। कल ये आयोजन होगा, दौड़ में 15,000 लोग शामिल होंगे और 112 से ज्यादा धावक हिस्सा लेंगे, जो कि 15 देशों से 112 से ज्यादा धावक हिस्सा लेने वाले। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, मैराथन दौड़ का आयोजन होना है, लेकिन ये मैराथन दौड़ का आयोजन नशा मुक्ति के लिए किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूनम, अगर बात करें नशा मुक्ति की, तो राज्य को जो है नशा मुक्त करने के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब एक मैराथन की जो है यहाँ पे जो है कवायद शुरू की गई है, जिसमें लगभग 15 देशों के जो है वो यहाँ पे 112 धावक जो है यहाँ पे शिरकत करेंगे। और इसको जो है कार्यक्रम को जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे जो है सुबह 7:30 बजे कल जो है वो हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना करेंगे। और इसमें जो धावक विजेता होगा उसको जो है बाकायदा पुरस्कृत भी किया जाएगा। और जो ये उपहार है वो लाखों रुपए के जो है उपहार यहाँ पे देने की बात जरूर की जा रही है। जी पुनः जी बिल्कुल अवनीश जी, जिस प्रकार से सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, इसके अलावा अगर हम वीवीआईपी वीआईपी की बात करें तो कौन कौन से नेता अधिकारी अफसर शामिल हो रहे हैं? देखिए पुणे में यहाँ पे अगर बात करें पुलिस का जो है ये कार्यक्रम है, पुलिस विभाग के आला अधिकारी डीजीपी सूबे के जितने भी आईजी डीआईजी हैं ये तमाम लोग जो है इसमें शिरकत करेंगे। और भाजपा की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रवक्ता है और जो नेता है, अधिकारी है, प्रभारी है, तमाम लोग जो है इसमें जो है शिरकत करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है इसको पूर्ण रूप से जो है नशा मुक्त करने की ये जरूर ये एक पहल है। और इसको लगातार उनका कहना था कि 2024 तक हमारी कोशिश रहेगी कि जो राज्य है वो पूर्ण रूप से जो है नशा मुक्त हो जाए। जी पुनम बिल्कुल, इसके साथ अवनीश जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कल जो ये दौड़ का आयोजन होना है मैराथन दौड़ का नशा मुक्ति के लिए, सारे वीआईपी वीवीआईपी इसमें शामिल हो रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां अभी तक कर ली गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारी है, कितनी संख्या में जवान तैनात रहेंगे? जी देखिए पूनम, बिल्कुल यहाँ पर जो है जिस तरीके से अगर बात करें ट्रैफिक की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, रूट तैयार है पूरी तरीके से जो है, मैराथन कहाँ से कहाँ होगी सब दिशा निर्देश दिए गए हैं। और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जगह जगह जिस तरीके से स्वास्थ्य की बात करें कोई परेशानी ना हो, स्वास्थ्य महकमा जो है वो लगातार जो है यहाँ पे अलर्ट मोड पर है। और जितने भी जो है रोड है उसको बाकायदा जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कल इस दौड़ का आयोजन होना है और इससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग को तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम धामी तो शामिल होंगे ही, हरी झंडी दिखाएंगे, इसके अलावा जो है पुलिस प्रशासन के आला अफसर भी इस दौड़ में शामिल होंगे।